राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये तीनों ही राजा जनक के दरबार में उपस्थित हुए। जनक ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया। उन्हें लेने के लिए राजा जनक स्वयं स्वयंवर मंडप में आए। उस मंडप में जगह जगह के राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और नगरों के श्रीमंत अपने अपने स्थान पर बैठे थे। राजा महाराजाओं के मुकुट से निकलने वाला तेजस्वी मणियों का प्रकाश सर्वत्र चकाचौंध फैला रहा था। छत पर सुंदर झूमर लटक रहे थे। चारों तरफ मंगल वाद्यों की धुन बज रही थी। मंडप के मध्य भाग में भगवान परशुराम का विशाल धनुष रखा गया था। धनुष की ओर देखते हुए राजा जनक ने कहा कि हे सभाजनों, ये भगवान परशुराम का धनुष है। भगवान शंकर ने इसे भगवान परशुराम को भेंट दिया था। एक दिन भगवान परशुराम ये धनुष लेकर मेरे पास आए। मेरी पुत्री सीता ने उसे घोड़ा समझकर खेलना शुरू कर दिया। ये घटना देखकर परशुराम ने मेरी पुत्री के विवाह के लिए एक योजना मुझे बताई। उन्होंने कहा, जो कोई भी इस धनुष को उठाएगा और बाण चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। जनक का ऐसा वक्तव्य सुनकर सभा मंडप में उपस्थित समस्त राजा महाराजाओं का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगे, यह विशाल धनुष हम कैसे उठाएंगे। सब मन में ऐसा विचार कर शांत बैठे थे। ये देखकर राजा जनक को भयानक आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये क्या है, कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है। ये सुनकर गर्जना करता हुआ लंका का राजा रावण उठा और बोला, है क्यों नहीं। लंका का राजा यहाँ है ना, मैं इस धनुष पर बाण चढ़ाता हूँ। इस अहंकार से युक्त रावण आगे आकर खड़ा हुआ। एक तुक्ष कटाक्ष से उसने धनुष को देखा। एक हाथ से उसने धनुष उठाया, लेकिन ये क्या, अरे धनुष तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। रावण ने अपना जोर लगाया, खूब जोर लगाया, और वो धनुष अपनी जगह से नहीं हिला। रावण थक गया, पुनः प्रयास किया। इस बार उसने धनुष को किसी भी तरह से उठाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या आश्चर्य की बात हुई कि वो धनुष उठाकर नीचे गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा और अंगों पर घाव हो गए। गिरते ही वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब बलवान रावण की ये दशा है तो सभा मंडप में उपस्थित अन्य राजाओं का क्या कहना। जनक को दया आ गई। उन्होंने अपने सेवकों से रावण के ऊपर से धनुष हटाने को कहा। रावण उठ गया। रावण की इतनी दुर्दशा होने के बाद कौन आ गया था। जनक कुछ कहने के लिए उठे। वो कुछ बोलते उससे पहले ही विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने की आज्ञा दे दी। तत्काल राम उठे। उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से धनुष के पास आकर खड़े हो गए। पहले तो उन्होंने धनुष को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर देखते ही देखते धनुष सहजता से उठा लिया और बाण लगाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन ये क्या, विशाल काय धनुष तड़ तड़ आवाज करता हुआ टूट गया। धनुष के दो टुकड़े हो गए। श्री राम का अपूर्व पराक्रम देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने तालियों से उनका अभिनंदन किया। इससे रावण अपमानित हुआ। जनक राजा अत्यंत आनंदित हुए। सीता भी हंसी, फिर धीरे धीरे शर्माती हुई आगे आई और राम के गले में वरमाला डाल दी। सीता ने राम का वरण किया और राम ने भी सीता के गले में माला डाल दी। इसके बाद राजा जनक ने राजा दशरथ और उनकी सभी रानियों को विवाह हेतु आमंत्रित किया। उनके आने पर खूब हर्षोल्लास से यह विवाह संपन्न हुआ।